असलम कैसे हैं सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब हरिया से होंगे इंशाल्लाह हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे एम एस एम एंड एस पे तो आइए आपको भी दिखाती हूँ कि इनकी वैरायटी और क्वालिटी कैसी है तो बंदा जब बाहर आया हो घूमने फिरने तो शॉपिंग पे ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता तो हस्बे रवायत हम एम एंड एस पे आए हैं एम एंड एस स्पेन में भी है आज वो हमने देखा है कि यूके की एम एस कैसी है तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनकी क्वालिटी भी तकरीबन एक जैसी है कपड़े भी एक जैसे ही हैं थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि मौसम के मुताबिक होता है स्पेन में थोड़ी गर्मी होती है तो उनके अपने मौसम के मुताबिक कपड़े होते हैं और ये जो मानचेस्टर वाले हैं इनके पास इनके अपने मौसम के हिसाब से कपड़े हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी थी वैराटी भी इनके पास बहुत ज़्यादा थी तो ये हम ना एम एंड एस पे के जो आउटलेट है उस पर आए हुए हैं ये देखे बहुत ही खूबसूरत ये जो है ना शर्ट्स हैं मैक्सी टाइप बनी हुई हैं बहुत ही प्यारी थी तो पहले तो हमने सारी दुकान को आगे पीछे अच्छे से घूम के देखा है फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की है कि हमने क्या कुछ लेना है तो ये जेंट्स वाले हिस्से पे आ गए हैं यहाँ से हम निकल के इधर आ गए थे बच्चों वाली साइड पे जूते वगैरह पड़े हुए थे बच्चों के अच्छे लग रहे थे लेकिन हुसैन को ये पसंद नहीं आए तो ये जो हम छोटे बच्चों के कपड़ों की तरफ आए हैं ना तो यहाँ जब आता है बंदा तो उसका दिल चाहता है कि बस सारे खरीद लो बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे बच्चों के छोटे बच्चों के थे जो खास तौर पर न्यू बेबी बॉर्न और एक से दो साल के बच्चों के तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इनमें से मैंने कुछ खरीदे हैं तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कौन से मैंने इनमें से लिए हैं ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे लेकिन हमें इनकी जरूरत ही नहीं है तो फिर भी इसमें से जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो मैंने ले लिए हैं ताकि घर में कोई मेहमान वगैरह आए या किसी को गिफ्ट देना हो तो फिर घर में से बंदा दे देता है तो ये वाली जो ब्राउन फ्रॉक है ना वेलवेट की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे ये वाली हमने ले ली है हम तो घर से ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए थे कि देखेंगे अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे लेकिन यहाँ आके भी हमने खांसी चीज़ें ले ली हैं तो जब चीज़ें काफ़ी सारी होगी तो फिर यही मसला बन गया कि हमने इन्हें लेके कैसे जाना है लेकिन देखें फिर ले ली हैं ले लिया हैं है तो घर भी पहुँच जाएंगी इनशाला ये शूज़ जो हैं इनके अपने मौसम के हिसाब से ही हैं सर्दियों का मौसम है इसलिए सारे सर्दियों वाले ही पड़े हुए हैं और इन्होंने जो इधर हर वक्त बारिश होती रहती है इसी हिसाब से बनाए हुए हैं जो लॉन्ग शूज़ हैं वो इनके ये अपने मौसम के हिसाब से हमारे भी स्पेन में होते हैं लेकिन इनके जो हैं ज़्यादा यही चलते हैं इस मौसम में क्योंकि हर वक्त बारिश होती रहती है तो इन्होंने ऐसे बनाए होते हैं कि ये वाटर प्रूफ है ऊपर से इनमें पानी ना जाए यहाँ ही साइड पे इन्होंने घर का दूसरा जो सामान है टावल्स रजाइयाँ और पिलो वगैरह रखे हुए थे ये बैग हैं बहुत ही प्यारे लग रहे थे लेकिन मुझे चाहिए नहीं ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कलर मुझे बड़ा पसंद है मेरा फेवरेट कलर है तो बहुत ही खूबसूरत वैरायटी थी जूता एक जो मुझे पसंद आया था मैंने पहन के देखा है ले। वो लेकिन ना वो इतना इजी नहीं था तो फिर मैंने वो कोई नहीं लिया अच्छा लग रहा था मैंने कहा चलो ले लेती हूँ लेकिन जब पहन के बंदा अच्छे से चल ना सके तो इस जूते का क्या फ़ायदा तो वो मैंने छोड़ दिया था ये न्यू बेबीज़ के हैं बहुत ही ख़ूबसूरत बहुत ही प्यारे बस बंदा जब देखता है ना छोट छोटे छोटे कपड़े तो उसका दिल चाहता है कि सारे ही खरीद लें सैनम जो है वो घूम फिर के खुश हो रहा है देख रहा है चीज़ें और साथ साथ मुझे बता रहा है कि ये स्पेन में मम्मा ये चीज़ ऐसी है ये इधर इतना डिफरेंस है इसमें तो ये आउटलेट है मैं डैस का तो अच्छी चीज़ें थी क्वालिटी भी अच्छी थी और साथ इन्होंने डिस्काउंट भी रखा हुआ था ट्वेंटी परसेंट कुछ चीज़ें वैसे डिस्काउंट पे थी उस पर इन्होंने ना मजीद जो है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट लगाया हुआ था मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ ना बस जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ तो ऐसे अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से जूतों से तो जब पहनना हो तो कुछ भी नहीं मिलता जब पहना हो तो मुसीबत पड़ जाती है कि आप कौन सा पहने ये वाली फ़्रॉक जो है दो ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये दोनों हमने ले ली हैं तो ये जो आपको छोटा सा मैंने व्लॉग दिखाया है ये आपके लिए मैंने बनाया था तो आपने अब मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़